हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉयल ऑनलाइन अर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा असाइनमेंट राइटिंग का वर्क शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ऑलरेडी मैं खुद वर्क कर चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस भी मेरे साथ इस टाइप का वर्क करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सके और पाकिस्तानी रुपीज़ में अपनी अर्निंग को रिसीव कर सके थ्रू जैज़ कैश एंड ईजी पैसा। तमाम ये वीडियो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है, उन हाउस वाइफ के लिए है जो जगह जगह पर पैसे इन्वेस्ट कर चुकी हैं लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है। सो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि हमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी मेंबर एडिशन एक ऐसा वर्क प्रोवाइड कर दिया जाए जिसको हम करके अपनी डेली की अर्निंग को थ्रू जैज़ कैश एनी सी पैसे में रिसीव कर सकें। सब डिटेल शेयर करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है मेक श्योर कर लें चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले जी मैं आपको उस वेबसाइट के बारे में ट्रस्ट रेट शो करने जा रही हूँ, तो इसके लिए हम आ गए हैं जी गूगल पर। यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो ट्रस्ट रेट है आपके सामने है, द ट्रस्ट रेटिंग इज हाई माइट बी सेव। इसके साथ ही हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आते हैं यहाँ पर आपके सामने इसकी पॉजिटिव हाईलाइट्स मौजूद हैं। ठीक है, दिस वेबसाइट ऑफर पेमेंट्स मेथड विच अलाउ यू गेट योर मनी बैक। ये वेबसाइट आपको ऐसा पेमेंट मेथड भी प्रोवाइड करती है जिससे आप अपने जो पैसे हैं वो दोबारा से ले भी सकते हो, कैश बैक भी यहां से हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसकी एक भी नेगेटिव हाईलाइट नहीं है, हर तरह से पॉजिटिव हाईलाइट है और यहां पर आप सिंपली सेफ टू यूज अपनी अर्निंग को स्टार्ट करने में कामयाब हो सकते हैं अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, इसी आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि यह वेबसाइट 100% रियल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, यहां पर आपके सामने इसका ट्रस्ट रेट मौजूद है। अब हम चलते हैं जी अपनी मेन वेबसाइट पर। हम आ चुके हैं जी अपनी मेन वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का नेम है जी foodtank.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके जल्दी से आपने वेबसाइट पर नहीं पहुंच जाना, पहले आपने पूरी वीडियो वॉच कर लेनी है। हमने यहां पर काम किस तरह से करना है और यहां पर काम करने की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है। ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हमें एक सिंपल राइटिंग का वर्क दिया जाए जिसको हम करके अपनी अर्निंग का स्टार्टअप ले सकें। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई जा रही है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर जी आपके सामने डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं जिनको आपने फॉलो करते हुए यहां पर राइटिंग का वर्क प्रोवाइड करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर आपके सामने कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं, फूड टैंक सबमिशन गाइडलाइंस। ठीक है, टाइटल है जी, आपने यहाँ पर आपने इंटरेस्टिंग से टाइटल के साथ इन्हें आर्टिकल राइट करके देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने आर्टिकल की लेंथ आपको बताई गई है 800 वर्ड्स। आर्टिकल अबव 800 वर्ड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर आपका 800 वर्ड से ज्यादा आर्टिकल हुआ तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो 800 वर्ड्स का है या नहीं है, इसके लिए भी मैं आपके साथ एक टूल शेयर करूंगी जिसकी मदद से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारा आर्टिकल जो है वो कितने वर्ड्स का है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर जी आपके सामने इन्होंने कहा गया रिक्वायर्ड फोटो, के फोटो भी रिक्वायर्ड है आपके आर्टिकल में, पिक्चर होनी चाहिए, साइज आपके सामने मौजूद है, साइज की पिक्चर आपके आर्टिकल में अटैच होनी चाहिए। ठीक है, अभी हमने पिक्चर किस तरह से अटैच करनी मैं आपको वो भी आगे चल के डिटेल शेयर करूंगी, तो आपने कंप्लीट वीडियो लाजमी वॉच करनी अगर आप चाहते हैं कि हमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हमें राइटिंग का वर्क प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, यहाँ के सामने और भी इनकी गाइडलाइंस मौजूद है, अगर आपको इनकी गाइडलाइंस प्रॉपर वे से समझ ना आए तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने के बाद आपने आ जाना गूगल ट्रांसलेटर पर, आने के बाद आपने यहां पर वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहां पर उर्दू में इसका जो तर्जुमा है शो हो जाएगा, आपको इसकी ट्रांसलेशन शो हो जाएगी। यहां पर आप इसको पढ़कर अंडरस्टैंड करके अपना वर्क यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, काफी लोगों को इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल ट्रांसलेटर को यूज करते हुए अपना वर्क यहां पर समझने के बाद यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहां पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट आर्टिकल जो यहां पर पब्लिश हुए हैं वो आपके सामने है। ये लोगों का काम है जो यहां पर पब्लिश हुआ है विद पिक्चर्स। अब हमने यहां पर आर्टिकल राइट किस तरह से करना है, पिक्चर्स किस तरह से ऐड करनी है और हमने यहां पर आर्टिकल सेंड किस तरह से करना है, मैं आपको वो बताने जा रही हूं। तो फर्स्टली मैं आपको ये बात क्लियर कर दीजिए कि आपने यहां पर आर्टिकल किस तरह से राइट करना है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद दो वीडियोज का लिंक है, आपने वो वीडियोज लाजमी वॉच करनी है। उन वीडियोज में मैंने आपको ये बात
उन वीडियोस में मैंने आपको ये बात क्लियर की हुई है कि आपने यहाँ पर आर्टिकल किस तरह से राइट करना है विदाउट एनी प्लेजरिज्म चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए, तो आपने वो दो वीडियोस लाजमी वॉच करनी है। इसके बाद ये बात आ जाती है कि हमने यहाँ पर आर्टिकल में पिक्चर्स कैसे ऐड करनी है, तो आपने सिंपली आ जाना है जी एमएस वर्ड में, अपना एमएस वर्ड में आएंगे, यहाँ पर आपने फाइल रेडी कर लेनी, जैसे कि मेरी फाइल आपके सामने रेडी है, इस तरह से करके आपने अपनी फाइल तैयार कर लेनी है। अब जी मेन बात आती है हमने यहाँ पर पिक्चर किस तरह से ऐड करनी, जो कि आपके सामने मैंने पिक्चर्स ऐड की हुई है। फोन को यूज़ करते हुए अपने एमएस वर्ड की फाइल में पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, हमने किस तरह से ऐड करनी है। यहाँ पर आपके सामने कॉर्नर पर आपको एरो का साइन नजर आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन नजर आया है, ड्रॉप डाउन बने हुए इसके सामने, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आपने इंसर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आपने पिक्चर पर आ जाना है, और यहाँ पर फोटोज में आने के बाद आप अपनी गैलरी में मूव कर जाएंगे। यहाँ से आपने कोई सी भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर को ऐड कर लेना है और उसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे आप पिक्चर को मजीद कॉपी भी कर सकते हो, क्रॉप भी कर सकते हो, जैसा आपको दिल करे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से करके आपने एक अमेजिंग सी फाइल तैयार कर लेनी है। मैंने जो वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने वो लाजमी वॉच करने, वो वॉच करने के बाद आपने यहाँ पर पिक्चर के साथ अपना आर्टिकल राइट कर लेना है। आर्टिकल राइट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसे कॉपी करना है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद अभी आपने इनको आर्टिकल सेंड किस तरह से करना है मैं अब आपको वो बताने जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपना आर्टिकल जो यहाँ से इतना से कॉपी कर लिया उनको सेंड करने के लिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जी अपनी उसी मेन वेबसाइट पर। मेन वेबसाइट पर आने के बाद अब जी मैं आपको एक टूल प्रोवाइड करने जा रही हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा आर्टिकल 800 वर्ड्स का है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपने आ जाना सिंपल गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपने सिंपली लिखना है wordcounter.net। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना है जो कि आपने आर्टिकल सिंपली लिखवाया होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी पर जो आपके वर्ड्स हैं वो है 170 वर्ड्स, मतलब कि आपके वर्ड्स कम हैं। 800 वर्ड्स का आपने यहाँ पर आर्टिकल राइट करना है। ये टूल इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद यही है कि आपको इस टूल से इस बात का पता चल जाएगा कि आपका आर्टिकल 800 वर्ड्स का है या नहीं है। इस तरह से करके आपने पेस्ट करके चेक कर लेना है कि आपका आर्टिकल कितने वर्ड्स का है ताकि आपका आर्टिकल वहां पर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इसके बाद सिंपली आपने आज जाना है अपनी मेन वेबसाइट पर। अब जी हम यहाँ पर इन्हें आर्टिकल सेंड करने जा रहे हैं जो कि आपने ध्यान से वॉच करना है। यहाँ पर जी हमने आर्टिकल सेंड करने के लिए हमारी 2 से 3 रिक्वायरमेंट है जिनको आपने फॉलो करना है। सेंड एवरीथिंग इन 1 ईमेल टू elena@foodtank.com। ये जी आपको मेल दिया गया है, आपने इस पर आपने इन्हें आर्टिकल सेंड करना है, और सब्जेक्ट लाइन पर आपने लिखना है फूड टैंक गेस्ट आर्टिकल पिच। ये आपने लिखना है जी अपनी सब्जेक्ट लाइन में ताकि आपका आर्टिकल उनके पास जब जाए उन्हें पता चले कि फूड टैंक गेस्ट आर्टिकल पिच है, हमने इसको एक्सेप्ट करना है। इस बात से उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आर्टिकल हमारा इस वेबसाइट से आया है, ठीक है। सिंपली आपने क्या करना है, पहले जी आपने इस पर लॉन्ग प्रेस करना है इनके जीमेल पर, और आपने सिंपली अपने ईमेल में रीडायरेक्ट हो जाना है, ठीक है। रीडायरेक्ट जैसे ही आपको कर देगा, आपने यहाँ पर अपना आर्टिकल पेस्ट करने के बाद सब्जेक्ट लाइन एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली इन्हें सेंड कर देना, जो कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद साथ जो आपको सब्जेक्ट लाइन बताई गई थी आपने उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, और नीचे आपने अपना जो आर्टिकल है यहाँ पर पेस्ट करके इन्हें सेंड के बटन पर क्लिक कर देना। ये जो आपका आर्टिकल है उनके पास सेंड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली आ जाना अपनी मेन वेबसाइट पर। ये आर्टिकल 800 वर्ड्स का होना चाहिए। पिक्चर आपको लाजमी यहाँ पर ऐड करें, जो कि मैंने आपको एमएस वर्ड के थ्रू ऐड करने का तरीका बता दिया कि आपने किस तरह से ऐड करनी है। आप एमएस वर्ड को लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो और अपने सेल फोन पर भी यूज़ कर सकते हो। ऐप को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, आप फ़ोन पर भी यूज़ कर लेंगे उसको और आप उसे अपने लैपटॉप पर भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से करके आपने अपना आर्टिकल जो है यहाँ पर सबमिट करवाना है। यहाँ पर आपके सामने ऑलरेडी लोगों के आर्टिकल पब्लिश है, आपके सामने मौजूद है। इस तरह से करके आपने इस वेबसाइट के साथ वर्क करना है। मैंने आपको 100% रियल वेबसाइट शेयर की है फूड टैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने यहाँ पर वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जो कि फूड के रिलेटेड हो, ठीक है, जिस पर आप एक अच्छे तरीके से लिखना जानते हो, ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट फूड के रिलेटेड है। इसके बाद अगर आपको कोई आइडिया ना मिल रहा हो तो आप जो इनके लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं इनको यूज करके अपना कोई भी एक टॉपिक रेडी कर सकते हैं ताकि आपका आर्टिकल का टॉपिक इनके आर्टिकल के टॉपिक से मिलता जुलता हो और आपका आर्टिकल जो है यहां पर एक्सेप्टेबल हो, ठीक है।
आप मेन बता दिए कि यहाँ से हमने विड्रॉ किस तरह से लेना है। आप यहाँ से जो विड्रॉ है सिंपली आप जैस कैश, इजी पैसा और बैंक अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। आपसे ये कॉन्टैक्ट करेंगे कि अपना ईमेल के अपना अकाउंट नंबर सेंड करें अगर आपका आर्टिकल उनके पास एक्सेप्टेबल होगा तो, ठीक है। आपने कंप्लीट कोशिश करनी है कि आप यहाँ पर 800 वर्ड्स का आर्टिकल राइट करके देना है, पिक्चर आपने लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। और इसके बाद आपने अपना आर्टिकल जो है इनके पास सबमिट करवा देना है। अगर आपका आर्टिकल एक्सेप्टेबल होगा 800 वर्ड्स का होगा तो आपको ये लाजमी कॉन्टैक्ट बैक करेंगे। अगर आपका आर्टिकल 800 वर्ड से अबव का होगा तो ये आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो वेबसाइट्स होती हैं किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, आपको इनको एक्यूरेट चीज़ ही सेंड करनी होती है, ठीक है। जो कि मैंने आपको सेंड करने का तरीका बता दिया है, राइट करने का तरीका शेयर कर दिया है। अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई बात रह गई हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के बाद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद डिटेल वहाँ पर शेयर कर दूँगी। और ये वीडियो कैसे लगी आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। ये थी जी आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अमेजिंग वेबसाइट के साथ असाइनमेंट वर्क के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी वजह से इंफॉर्मेटिव लगी हो या मेरा हार्ट क्लिप लगा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।